नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी जानकारी पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आप अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और कितने समय अंतराल में दांतों की जांच कराते रहना चाहिए। दोस्तों दांतों की सफेदी और मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आप इनकी देखभाल कैसे करते हैं। दांतों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कुछ खाते हैं तो उसके कुछ कण दांतों में ही फंस जाते हैं। यदि दांतों को समय पर साफ ना किया जाए तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है, दांतों में कीड़े पड़ने लगते हैं और वे पीले भी पड़ जाते हैं। ऐसे में कुछ भी खाने के बाद कुनकुने पानी से अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना चाहिए। एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिला लें और फिर उससे कुल्ला करें। दो बूंद सरसों के तेल में एक चुटकी नमक डालें और इस पेस्ट से दांतों और मसूड़ों की हल्के हाथ से मालिश करें। इसके बाद सामान्य पानी से कुल्ला करें। ब्रश पर मंजन के साथ थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क कर दांतों की सफाई करने से पीले दांतों की समस्या दूर होती है। इससे मुंह के संक्रमण और दांतों में कीड़े की समस्या भी दूर होती है। तुलसी की 5-6 पत्तियां धोकर चबाने से न सिर्फ दांत मजबूत होते हैं बल्कि मसूड़ों और दांतों के संक्रमण में भी फायदा होता है। दोस्तों रात को भी खाने के 1 घंटे बाद या सोने से कुछ समय पहले ब्रश करें ताकि बैक्टीरिया मुंह में और दांतों में ना जम सके। दांत साफ करने के लिए मुलायम ब्रश का ही इस्तेमाल करें। ब्रश को दांतों पर तेजी से ना रगड़ें। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए चॉकलेट, मिठाई, टॉफी आदि का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा हर 6 महीने में दांतों की नियमित जांच भी करवाएं। और इसके अलावा आप कुछ बातों का और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे ठंडा गर्म एक साथ ना लें क्योंकि इससे दांत कमजोर हो सकते हैं, और बहुत अधिक खट्टे फलों या एकदम खट्टे पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। विनेगर या कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पेय पदार्थों से दूर रहें। आहार में पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अधिक ठंडे पानी की जगह हल्के ठंडे या सामान्य पानी का सेवन करें। रात को कुछ भी ऐसा न खाएं जो कि दांतों में आसानी से फंस जाए। रात को ब्रश करने के बाद कुछ भी न खाएं। इसके अलावा कुनकुने पानी में नमक डालकर कुल्ला जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।